है लगा है। गुरुदेव की जय हो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। गगन प्रताप गुड मॉर्निंग, अंशुमान यादव, गगन प्रताप, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। ठीक है, जल्दी जल्दी बच्चे लाइव आ जाएं। विनीत उपाध्याय, निधि गोस्वामी, सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। पवन यादव, गुरुदेव की जय हो, आपको भी जय हो। वंदे मातरम, जय हिंद जय हिंद, वंदे मातरम। रमेश कुमार, सर्वेश कुमार, अखिलेश कुमार, प्राची तिवारी, शुभम यादव, एसकेपी एजुकेशन। कल कौन सा टॉपिक चला था बेटा, देख लेना कौन सा टॉपिक चला था, ठीक है। राम, रमेश कुमार, सौरभ मनी, अमित कुमार, कुलदीप यादव, सर्वेश कुमार पॉल, श्री कुमार, गगन प्रताप, सुजीत कुमार, सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। तो सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं, फिर हम लोग अपने क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल लास्ट में हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था, कुछ याद है आप लोगों को? याद होगा, हम लोगों ने पेयर ऑफ लेटर पढ़ लिया, हम लोगों ने लेटर ऑफ सीरीज पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था सर? उसके बाद हम लोग वर्ड फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, वर्ड फॉर्मेशन, शब्द निर्माण। उसके बाद सर हम लोगों ने डिक्शनरी भी पढ़ रखा था, याद है ना? कल की क्लास में हम लोगों ने डिक्शनरी भी पढ़ रखा था। डिक्शनरी में कुछ होता नहीं है, आपको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजाना होता है। अब वो असेंडिंग ऑर्डर में कहता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कहता है, तो कल मैंने आपको सिखाया था। डिक्शनरी के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, डिक्शनरी के कुछ क्वेश्चन के बाद हम लोग जंबलिंग ऑफ लेटर भी कल पढ़ लिए थे। याद रखना, एनटीपीसी में यहां से क्वेश्चन बहुत आता है। एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी में जो भी आपका पेपर है, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी, हर जगह हमें यह जंबलिंग ऑफ लेटर से, सिर्फ रेलवे में इस चैप्टर का नाम जंबलिंग दिया जाता है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है जंबलिंग कौन सा चैप्टर है। तो आज क्लियर हो गया होगा, यानी कल के क्लास में ही क्लियर हो गया होगा कि जंबलिंग कौन सा चैप्टर है। जी पवन यादव बेटा, स्थान परिवर्तन पढ़ना है बेटा, पढ़ाऊंगा, ठीक है। संजय यादव, सुमन, अजय राय, नेहा वर्मा, पुष्पेंद्र सिंह, गगन प्रताप, पवन यादव, निवी यादव, अजय राज, सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, थोड़ा जल्दी से एक बार सभी लोग शेयर करिए। और एक बार जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए। और जो लोग एडमिशन नहीं करवाए हैं, आप एडमिशन भी करवा लीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि आपकी क्लासेस बहुत जल्द ही आपके ऐप पर चलने लगेंगी। आपको क्लासेस यूट्यूब पर नहीं दिखेंगी तो आपको प्रॉब्लम होगा। आप अभी एडमिशन करवा लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छे से पढ़ते रहिए, दो चार दिन बाद आपकी क्लासेज आपके ऐप पर चलने लगेगी। आपको फीस के बारे में पता होगा, आपका फीस ज़्यादा नहीं, सिर्फ 555 है। इतने में पूरा एनटीपीसी का कोर्स आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। पूरा एनटीपीसी का ग्रुप डी का जो कोर्स है, मात्र 555 में आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। तो आप जो बच्चे एडमिशन नहीं करवाए हैं, आप जल्द से जल्द एडमिशन करवा लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच आपको। अजय सिंह डियर, मैंने फी बता दिया, 555 555 555, सिर्फ एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी 555 मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा है। 555 रुपये तो आप वैसे ही दो दिन में अपने डाटा का एक महीने का रिचार्ज करा लेते हो, और 555 रुपये में यदि ज़िंदगी बदल जाती है तो फिर इससे बड़ी बात क्या है, ठीक है भाइयों। तो जल्दी से जल्दी एक बार वीडियो को शेयर मार दीजिए। दैनी शर्मा, दारा सिंह, एक बार सभी बच्चे एक बार शेयर मारिए ताकि थोड़ा और बच्चे लाइव आ जाए, फिर हम लोग अपने क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने जो अभी तक क्लासेस किया है, आपको पता होगा हम लोगों ने बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर को कवर कर लिया है। मतलब एनटीपीसी में हम लोगों ने 7 से 8 क्वेश्चन तक का रेंज कवर कर लिया है। आप देखोगे, हमने आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा दिया, हमने आपको पेयर ऑफ लेटर पढ़ा दिया, लेटर सीरीज पढ़ा दिया, जंबलिंग ऑफ लेटर पढ़ा दिया, वर्ड फॉर्मेशन पढ़ा दिया, डिक्शनरी पढ़ा दिया, ठीक है। जंबलिंग ऑफ लेटर भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें 2-3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। जंबलिंग ऑफ लेटर के बाद आज हम लोगों को पढ़ना है
पोजीशन इंटरचेंज, क्या पढ़ना है? पोजीशन इंटरचेंज, आज यहां से स्टार्ट करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं स्थान परिवर्तन। तो छोटा सा चैप्टर बनाइए पोजीशन इंटरचेंज, एक छोटा सा चैप्टर बनाइए पोजीशन इंटरचेंज स्थान परिवर्तन, एक छोटा सा चैप्टर बनाइए पोजीशन इंटरचेंज। स्थान परिवर्तन, यहां से आज हम लोगों का नया चैप्टर की शुरुआत होगा, मतलब अपने आप में एक छोटा चैप्टर है पोजीशन इंटरचेंज, यहां से भी क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आते हैं। तो एक बार वीडियो को जो लोग अभी तक शेयर नहीं किए हैं भाई शेयर कर दो, क्योंकि जब क्लासेस ऐप पर, जैसे यूपीएसआई की क्लासेस देखिए ऐप पर चलती है, तो मैं वहां पर शेयर करने के लिए नहीं कहता हूँ, यहाँ पर इसलिए शेयर करने के लिए कहता हूँ ताकि जो भी बच्चे इस एक्सीट के चैनल से ना जुड़े हों वह भी जुड़ जाएं, उनको भी पता चल जाए कि बहुत कम मात्र पैसे में सिर्फ 555 में एनटीपीसी के बैच, यूपीएसआई की बैचें और जीएस के भी बैचेस आपके बीच में आई हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें। ठीक है नितेश कुमार, फोन नहीं लगता है सर, क्या बात है बेटा फोन? शुभम पटेल, मेरे चैट का रिप्लाई नहीं आता है, आ जाएगा बेटा आ जाएगा। हेलो सर, ये ओनली एनटीपीसी के लिए है जी। अनवी गुप्ता जी, सिर्फ एनटीपीसी के लिए है। अच्छा, आपका नाम रमेश नहीं रमकेश कुमार है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नीतीश कुमार बेटा, आप एक्सीट 24H के नाम से ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पर जाएंगे नीचे एनटीपीसी का बैच परचेस करने जाएंगे तो नीचे पेमेंट करने का मोड आएगा, वहां पे लिखा रहेगा पेमेंट, आप वहां से पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए वेरी गुड सर। दिल्ली पुलिस वाले भी ले सकते हैं, यूपीएसआई के बैच ले सकते हैं दिल्ली पुलिस वाला, दिल्ली पुलिस वाले एनटीपीसी भी ले सकते हैं, रीजनिंग मैथ तो कवर ही कर लेगा, जीएस भी, बहुत सारे साइंस भी कवर कर लेगा। ठीक है, तो आप ले सकते हो। ठीक है मनीष रावत बेटा, क्या बताऊं, आज थोड़ा आप लोगों से 5 मिनट बात कर लूं, पढ़ाता तो डेली हूं, आपकी प्रॉब्लम भी कभी सुन लिया करूं। ऐप पर बाई का ऑप्शन क्लिक नहीं होता, अंशुमान यादव, ऐप पर बाई का ऑप्शन क्लिक नहीं होता तो आपको स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा होगा, सामने देखो यहाँ पे नंबर चल रहा होगा, उस पर 10 बजे के बाद आप कॉल करिएगा, उस पर व्हाट्सअप करिएगा, थोड़ा कॉल करने का प्रयास कम करेंगे, व्हाट्सअप करने का प्रयास ज़्यादा करेंगे, उस व्हाट्सअप पर आप अपनी बातों को बता देंगे तो आपको, आप फोनपे से कहीं से भी पेमेंट कर देंगे तो आपको वहाँ पर लॉगिन आई डी पासवर्ड दे दिया जाएगा। राम प्रकाश यादव, मऊ में बुक नहीं मिल रही बेटा, मऊ में नहीं मिल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, आप अमेजॉन से और फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं बुक अपनी। ठीक है, आप घर बैठे किताब को मंगा सकते हैं, एक्सीट के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें लिंक को भेज दिया जाता है, आप वहां से बुक मंगा सकते हैं। चलिए अब बातें नहीं करूंगा सर, आप ऐप एक्सीट 24H पर रिप्लाई नहीं आता है चैट का, बेटा उस पर चैट का रिप्लाई कहां जाएगा, एक्सी 24H पर कितने। चलिए आगे चलते हैं सर, यूपीएसआई के रीजनिंग में क्या चल रहा है, क्योंकि एडमिशन लेना है। अकबर अली बेटा, यूपीएसआई में जल्द से जल्द एडमिशन ले लो, ठीक है, नहीं तो बाद में पछताओगे, बस बहुत जल्दी मैं उसमें सिलॉक, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, उसको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, उसको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, ना ही किसी वेन डायग्राम का यूज कराऊंगा, ना ही किसी AEIOU फार्मूले का यूज कराऊंगा, डायरेक्ट मैं उसको पढ़ाऊंगा, कैसे पता है, 150 खर्चा आमदनी, खर्चा आमदनी, इसी तरीके से मशीन इनपुट पढ़ाऊंगा, इनइक्वालिटी असमानता आप पढ़े होंगे, मतलब जो बैंकिंग लेवल के चैप्टर्स हैं जो आपके UPSI में, उसको तो आप सेकेंडों में उड़ा दोगे, जो भी बच्चे एडमिशन लिए हैं, जो बच्चे क्लास कर रहे हैं उनको पता होगा। ठीक, चलिए आगे, अब बातें कम, अपने पॉइंट पर आते हैं, पोजीशन इंटरचेंज स्थान परिवर्तन। प्रश्न क्या कहा है जरा ध्यान से पढ़ना, कहा है इस प्रश्नावली के अंतर्गत एक शब्द दिया जाता है, इस प्रश्नावली के अंतर्गत एक शब्द दिया जाता है जिसमें कुछ अक्षरों को परिवर्तित करना पड़ता है, जिसमें कुछ अक्षरों को परिवर्तित करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहा है, कहा है शब्द CONONISATION में यदि पहले अक्षर को 12वें से, ठीक है, मतलब इस पहले वाले को इस 12वें से, आगे कहा है दूसरे को 10वें से, तीसरे को 11वें से, चौथे को 8वें से, पांचवें को 9वें से,
छठवें को सातवें से बदल दिया जाए तो दाहिने से दसवें अक्षर के दाहिने, आठवें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा अक्षर होगा? बहुत लाजवाब प्रश्न है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए चलिए प्रश्न क्या है जरा इधर देखो, आओ देखो क्या है। सी यहां लिख रहा हूं, सी ओ एन ओ एन एन ओ एन आई एस ए आई एस ए टी आई ओ एन, इसको कोडिंग कर दें, इसको कोडिंग कर दे। देखो यहां एक, यहां दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। जरा ध्यान से देखना प्रश्न में क्या कहा है। कहा है शब्द सी ओ एन ओ एन आई एस ए टी आई ओ एन में यदि पहले अक्षर को बारहवें से, मतलब एक की जगह पर क्या लिख देंगे, बारह लिख देंगे, पहले अक्षर को बारहवें से। आगे कहा है दूसरे को दसवें से, दूसरे अक्षर को दसवें से, तीसरे को ग्यारहवें से, चौथे को आठवें से, चौथे को आठवें से। आगे कहा है पांचवें को नौवें से, पांचवें को नौवें से, छठवें को सातवें से, छठवें को सातवें से। आगे देखना कहा है बदल दिया जाए। ध्यान से देखना बच्चे, यही गलती करते हैं। कहा है पहले को बारहवें से, दूसरे को दसवें से, तीसरे को ग्यारहवें से, चौथे को आठवें से, पांचवें को नौवें से, छठवें को सातवें से। जरा ध्यान से देखेंगे कौन सा सीरीज चल रहा है। देखो बारह आया, फिर ग्यारह छोड़ के दस आ गया, यहां ग्यारह है, नौ छोड़ के आठ आ गया, यहां नौ है, यहां सात है। आगे क्या होगा आपके मन में चलेगा, सर छठवें के सातवें से बदल दिया जाए, आगे फिर सातवें को किससे चेंज करेंगे, सातवें को छठवें से चेंज करेंगे, नहीं सातवें को पांचवें से चेंज करेंगे, ठीक है, आठवें को छठवें से चेंज करेंगे, ठीक है, ऐसे आगे इसको चौथे से, इसको तीसरे से, इसको दूसरे से, इसको पहले से। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, चेंज कर दिया जाए। तो क्या कहा है, कहा है तो दाहिने से दसवें अक्षर के दाहिने, आठवें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, दाहिने से दसवें अक्षर के दाहिने, आठवें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा अक्षर होगा? आप कुछ बच्चे पढ़े होंगे, कुछ बच्चे नहीं पढ़े होंगे, तभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। आर आर होने पर आपस में घट जाता है, यहां आर हो जाएगा, तो दस में से आठ गया तो दो हो जाएगा, एल थ्री, अपोजिट होने पर प्लस हो जाता है, पहले आर है तो आर ले लेंगे, तो दो तीन पांच, यानी आर फाइव आ गया। दाहिने से पांचवा, जरा दाहिने से पांचवा काउंट करो, सर दाहिने से पांचवा एक दो तीन चार पांच आठ होगा, दाहिने से पांचवा आठ होगा, और आठ का मतलब सर छह होगा, और छह का मतलब सर आई, यानी हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा आई। बहुत सारे बच्चे को यहां कंफ्यूजिंग होगा। बहुत सारे बच्चे को यहां कंफ्यूजिंग होगा, तो प्लीज कंफ्यूज ना होना।
देखो यहां एक बार फिर से सॉल्व कर रहा हूं, यह वाला थोड़ा यहां कुछ गलत हुआ है, एक बार देखना बच्चों। देखो इधर, यहां प्रश्न में कहा है, ध्यान से देखना, कहा है पहले को 12, हमें से तो पहले को 12 से बदल दिया, आगे कहा है दूसरे को 10वें से 10 से कर दिया, तीसरे को 11वें से 11 कर दिया, चौथे को 8वें से 8 कर दिया, ठीक है, आगे कहा है पांचवें को 9वें से तो 9 कर दिया, आगे कहा है छठवें के 7वें से तो छठवें को 7वें से कर दिया। जरा ध्यान से देखना, छठवें को 7वें से बदल दिया। अब जरा यह सीरीज देखो, यहां 12 है, फिर यहां 11 है, यहां 9 है, ठीक है, तो यहां 7 आना चाहिए, 7 नहीं है तो यहां 6 हो जाएगा, ठीक है, तो 7 के नीचे यहां पे 6 हो जाएगा। अब फिर यहां पर 4 हो जाएगा, यहां 5 हो जाएगा, यहां 3 हो जाएगा, यहां 2 हो जाएगा, यहां 1 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा? देखो कहा है ना 12वें पहले अक्षर को, देखो पहले अक्षर को 12वें से, दूसरे अक्षर को 10वें से, तीसरे अक्षर को 11वें से, चौथे को 8वें से, पांचवें को 9वें से और छठवें को 7वें से, छठवें को 7वें से यहां तक कहा था बदल दिया जाए। आगे देखो फिर 8वें को हम छठवें से बदल देंगे, 12 के बाद 10, 11 के बाद 8, 9 के बाद 7, 6 के बाद 4, 5, 2, 3 और 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो कहा है दाहिने से 10वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा अक्षर होगा? हमने सॉल्व किया तो कितना आया था, R5 आया था, R5, R5 का मतलब दाहिने से पांचवा, तो दाहिने से पांचवा काउंट करो तो 1 2 3 4 5, दाहिने से पांचवा 8 है और 8 को क्या लिखा गया है, 4 लिखा गया है। ध्यान से देखना, 8वें को क्या लिखा गया है? सर 8वें को 4 लिखा गया है और 4 का मतलब क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो हमारा आंसर यहां पर ओ हो जाएगा। बच्चे कंफ्यूज मत होना, वहां पर थोड़ा हमसे गलती हो गया था, यहां पर ओ आएगा, ठीक है। एक बार जल्दी से वाई लिखकर कमेंट कर दो, किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं फिर से समझा दूंगा, एक बार वाई लिखकर कमेंट करो, और जिसको न समझ में आया हो वो आप बताओ, मैं फिर से बता दूंगा। एक बार पहले जल्दी से वाई लिखकर कमेंट करो कि सभी को समझ में आ गया, एक बार जल्दी से वाई लिखकर कमेंट करो कि सभी को समझ में आ गया। इधर देखो, कहा था शब्द CONONISATION में कहा है यदि पहले को 12वें से, दूसरे को 10वें से, तीसरे को 11वें से, चौथे को 8वें से, पांचवें को 9वें से, छठवें को 7वें से बदल दिया जाए तो दाहिने से 10वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन होगा? हमने पहले को 12 से, दूसरे को 10 से, तीसरे को 11 से, चौथे को 8 को, पांचवें को 9 से, छठवें को 7वें से बदल दिया। अब देखो यहां पर 12 के बाद 10 है, ठीक है, 12 के बाद 10 है, फिर 10 के बाद 11 है, 8 है, 9 है, 7 है, 6 है, यहां तक हो गया था, फिर हमने 7 के नीचे 6 लिखा, 8 के नीचे 4, 5, 3, 2, 1 पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमने जब इसको सॉल्व किया, कुछ बच्चों का कहना है सर लेफ्ट राइट जरा फिर से बताइए, तो मेरे भाई यदि आप नहीं पढ़े हो तो इसको शुरू से थोड़ा समझाना पड़ेगा, अभी मैं इसको पढ़ाऊंगा तो वहां पर समझाऊंगा, अभी सिर्फ आप समझ लो, आर आर सेम सेम होने पर घट जाता है, तो 10 में से 8 घट गया, 2 आ गया, जो पहले रहता है वही उतार लेते हैं, बचा यहां पर एल थ्री, अपोजिट होने पर जुड़ जाता है तो 2 और 3 5 हो गया, दाहिने से पांचवा। अब आप दाहिने से पांचवा देखो, इधर वाले को लेफ्ट कहा जाता है, इधर वाले को राइट कहा जाता है, ठीक है, आप दाहिने से पांचवा देखो तो 1 2 3 4 5, दाहिने से पांचवा 8 है और 8 को क्या लिखा जाएगा, 8 को 4 लिखा जाएगा,
आठ को चार लिखा जाएगा, और चार कहां लिखा गया है यहां पर, और चार का मतलब ओ हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर ओ, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मुझे नहीं लगता आप किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगा, मुझे नहीं लगता आप किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगा, मुझे नहीं लगता आप किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, जिसको डाउट होगा आप एक बार फिर से क्लास को क्विक रिवाइज कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर टू के पास, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर टू है, अच्छा प्रश्न है, यह भी एग्जाम में आ चुका है। कहा है शब्द इंट्रोडक्शन में यदि पहले अक्षर को 12वें से, दूसरे को 11वें से, तीसरे को 10वें से, चौथे को 9वें से, पांचवें को 8वें से, छठवें को 7वें से बदल दिया जाए तो दोनों ओ के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। जाए तो यहां पर दोनों पहले हो जाएगा, ठीक है, यहां पर दोनों होगा फिर ओ होगा, यहां से मैं ओ हटा दे रहा हूं, ठीक है, हो जाए तो दोनों ओ के बीच यहां पर ओ होगा। प्रश्न थोड़ा सुधार लेना, सातवें से बदल दिया जाए तो दोनों ओ के बीच में कितने अक्षर होंगे। चलो आओ देखो, इंट्रोडक्शन लिखते हैं यहां पर, तो आई एन टी आर ओ डी यू सी टी आई ओ एन, यही तो कहा है, कहा है शब्द इंट्रोडक्शन में, ध्यान से देखना, शब्द इंट्रोडक्शन में यदि पहले अक्षर को, यह पहला अक्षर है, यह दूसरा अक्षर, यह तीसरा, यह चौथा, यह पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवा, दस, ग्यारह, बारह, ध्यान से देखना, कहा है शब्द इंट्रोडक्शन में यदि पहले अक्षर को 12वें से, दूसरे को 11वें से, तीसरे को 10वें से, चौथे को 9वें से, पांचवें को 8वें से, छठवें को 7वें से बदल दिया जाए, आगे फिर 7वें को 6वें से, 8वें को 5वें से, चौथे से, तीसरे से, दूसरे से, पहले से बदल दिया जाएगा, तो हमने बदल दिया। प्रश्न में कहा था शब्द इंट्रोडक्शन में यदि पहले अक्षर को 12वें से, दूसरे को 11वें से, तीसरे को 10वें से, चौथे को 9वें से, पांचवें को 8वें से, छठवें को 7वें से, सातवें को 6वें से, फिर 8वें को 5वें से, 9वें को चौथे से, 10वें को तीसरे से, 11वें को दूसरे से, 12वें को पहले से बदल दिया जाए तो कहा है तो दोनों ओ के बीच कुल कितने अक्षर होंगे। दोनों ओ का मतलब इस इंट्रोडक्शन में आपको दो ओ दिखेगा, इधर देखो एक ओ आपका यह वाला दिखेगा, दोनों ओ के बीच एक ओ यह हो गया और एक ओ यह हो गया, दोनों ओ के बीच में कुल कितने अक्षर हैं, तो एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर, चार अक्षर, पांच अक्षर होंगे, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगा। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लोग लाइक नहीं किए हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं एक बार लाइक कर देंगे, एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें। आप व्यूअर्स का और लाइक का दोनों का रेशियो बहुत कम ज्यादा है, यानी आप वीडियो देखना पसंद करते हो लेकिन लाइक और शेयर करना पसंद नहीं करते हो, तो बेटा ऐसा ना करो। यदि आपको क्लास अच्छी लगती हो, आप वीडियो देखना पसंद करते हो तो लाइक भी करो, ठीक है। यदि आप चाहते हो कि आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलती रहे, आपको सारी चीजें समझ में आती रहें, तो लाइक और शेयर करके आप टीचर का हौसला बढ़ा सकते हो, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है। अनवी गुप्ता जी, बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, वेरी गुड। नीलम साहू, शिल्पा मौर्य, सीमा पाल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। गुलशन, गुलशन मिनकाले, वेरी गुड। चलिए सौरभ पांडे जी, गुड मॉर्निंग आपको। शुभम पटेल वाई, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। थैंक यू सो मच आपको संजय सुमन, क्या नाम है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, क्वेश्चन नंबर तीसरे के पास चलते हैं।
एक क्वेश्चंस और है, क्वेश्चन नंबर तीसरा जरा मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर तीसरा यहां पर लिख दे रहा हूं, कहा है शब्द इंट्रोडक्शन में, ऐसे क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, देखो शब्द इंट्रोडक्शन में आई एन टी आर ओ डी यू सी टी आई ओ एन, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कर लेना इसको। कहा है शब्द इंट्रोडक्शन में पहले अक्षर को, देखो आप क्वेश्चन की भावनाओं को समझ गए हो, मैं यहां पर समझाऊंगा आप समझ जाना। क्वेश्चन नंबर तीसरे में कहा है शब्द इंट्रोडक्शन में यदि पहले अक्षर को 13वें से, कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही है। कहा है शब्द इंट्रोडक्शन में यदि पहले अक्षर को 12वें से, दूसरे अक्षर को 11वें से, तीसरे अक्षर को 10वें से, चौथे अक्षर को 9वें से, पांचवें अक्षर को 8वें से, छठवें अक्षर को 7वें से बदल दिया जाए, तो बाएं से चौथे अक्षर के दाहिने छठवां अक्षर, तो बाएं से चौथे अक्षर के दाहिने छठवां अक्षर कौन सा अक्षर होगा? आओ कोडिंग करते हैं, यहां पर पहला अक्षर होगा एक, यहां दूसरा अक्षर, यह तीसरा अक्षर, यह चौथा अक्षर, यह पांचवा, यह छठवां, यह सातवां अक्षर, आठवां अक्षर, नौवां अक्षर, दसवां अक्षर, 11 अक्षर, 12 अक्षर। यह प्रश्न में दिया है, कहा है शब्द इंट्रोडक्शन में यदि पहले को 12वें से, दूसरे को 11वें से, तीसरे को 10वें से, चौथे को 9वें से, पांचवें को 8वें से, छठवें को 7वें से, ऐसे आगे और भी बदल दिया जाए, मतलब 7वें को 6वें से, इसको 5वें से, इसको 4थे से, तीसरे से, दूसरे से, पहले से। याद रखना प्रश्न में सिर्फ यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट तक कहता है, उसके आगे आप समझ जाना कि जब यहां 12 11 10 9 8 है तो आगे 7 6 5 4 3 2 1 का सीरीज चलता चला जाएगा। इज इट क्लियर है? प्रश्न में कहा था यदि पहले अक्षर को 12वें से, दूसरे को 11वें से, तीसरे को 10वें से, चौथे को 9वें से, पांचवें को 8वें से, छठवें को 7वें से, सातवें को 6वें से बदल दिया जाए, तो बाएं से चौथे अक्षर के दाहिने छठवां अक्षर कौन सा होगा? अभी हमने यह बदल दिया, इसको सॉल्व करो, एल आर होने पर प्लस हो जाता है, जो एल है वह पहले हो जाएगा, 4 और 6 10 हो जाएगा, मतलब बाएं से 10वां अक्षर। देखो इधर वाले को लेफ्ट कहा जाता है, इधर वाले को राइट कहा जाता है, कहा है बाएं से 10वां अक्षर, तो जरा देखो बाएं से 10वां अक्षर क्या है? सर बाएं से 10वां अक्षर आई है, लेकिन अब आई को क्या लिखा जाता है? 3 लिखा जाता है, और 3 का मतलब क्या होगा? सर 3 का मतलब क्या आया है आंसर? इंट्रोडक्शन में 12 अक्षर था कि 13 अक्षर? हाँ चलिए, बाएं से 10 आया, बाएं से 10 क्या है सर? आई। आई इस 10 को क्या लिखा जाता है? 10 को 3 लिखा जाता है, और 3 किसका है? 3 टी का है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, हमारा आंसर टी हो जाएगा, हमारा आंसर टी हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? देखो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हमने सॉल्व किया, बाएं से चौथे अक्षर के दाहिने छठवां अक्षर क्या होगा? तो एल आर होने पर जुड़ जाता है। मैं आपको देखो यहां फार्मूला बता दे रहा हूं, एल आर होने पर जुड़ जाता है, आर एल होने पर भी जुड़ जाता है, ठीक है, एल एल होने पर माइनस हो जाता है, और आर आर होने पर भी माइनस हो जाता है। यहां पर अभी सिर्फ मैं आपको समझा दे रहा हूं, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा सर आपने कहां से जोड़ दिया घटा दिया, तो देखो एल आर होने पर जुड़ जाता है, एल आर होने पर जुड़ गया, पहले एल था एल ले लिया, तो 4 6 10 हो गया। बाएं से 10वां देखा तो आई है, मतलब बाएं से 10 को क्या लिखा जाता है? 3 लिखा जाता है, और 3 किसका है सर? 3 टाइगर वाले टी का है, तो टी इज राइट आंसर हो गया। बहुत से बच्चों का आंसर आया भी है, ठीक है, वेरी गुड। एक बार बच्चे वाई लिखकर कमेंट कर दें, सभी को समझ में आ गया है, एक बार सभी बच्चे वाई लिखकर कमेंट कर दें, फिर हम लोग आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं।
क्वेश्चन नंबर चार। चलिए एक क्वेश्चंस और करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, जरा इसी में एक क्वेश्चंस और करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर के पास कहा है शब्द इंट्रोडक्शन में, कहा है शब्द इंट्रोडक्शन, आई एन टी आर ओ डी यू सी टी आई ओ एन, एक मिनट, शब्द इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल, आई एन टी ई आर एन ए टी आई ओ एन ए एल, शब्द इंटरनेशनल दिया है, क्वेश्चन नंबर फोर है, अच्छा प्रश्न है, इंटरनेशनल है, कहा है शब्द इंटरनेशनल में, शब्द इंटरनेशनल में पहले कितने लेटर हैं सर, एक लेटर या दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर आप बताओगे, इसका आंसर आप सभी लोग बताओगे। देखो कहा है शब्द इंटरनेशनल में, यदि पहले अक्षर को तेरहवें से, दूसरे अक्षर को बारहवें से, तीसरे अक्षर को ग्यारहवें से, चौथे को दसवें से, पांचवें को नौवें से, छठवें को आठवें से, सातवें को सातवें से, यही तो होगा भाई, छठवें को आठवें से, छठवें को पहले को तेरहवें से, दूसरे को बारहवें से, तीसरे को ग्यारहवें से, चौथे को दसवें से, पांचवें को नौवें से, छठवें को आठवें को, सातवें को सातवें से, फिर ऐसे इसको छह, यहां पांच, यहां चार, तीन, दो, एक बदल दिया जाए, तो कहा है बाएं से चौथे अक्षर के दाहिने छठवां अक्षर कौन सा अक्षर होगा, बाएं से चौथे अक्षर के दाहिने छठवां अक्षर कौन सा अक्षर होगा, क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर जरा आप लोग बताओ, इसका आंसर आप लोग बताओ जरा। कहा है शब्द इंटरनेशनल में, यदि पहले को तेरहवें से, ठीक है, दूसरे को बारहवें से, तीसरे को ग्यारहवें से, चौथे को दसवें से, पांचवें को नौवें से, छठवें को आठवें से, सातवें को सातवें से, आठवें को ऐसे छठवें से, फिर पांचवें, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले से बदल दिया जाए, तो बाएं से चौथे अक्षर के दाहिने छठवां अक्षर कौन सा अक्षर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, हमने यहां पर जैसे जैसे कहा था वैसे वैसे इंटरचेंज कर लिया, आगे क्या कहा है, बाएं से चौथे अक्षर के दाहिने छठवां, एल आर होने पर प्लस, एल है एल, चार और छह दस हो जाएगा, बाएं से दसवां क्या है सर, बाएं से दसवां यहां देखो ओ है, यानी चार है, इस चार को क्या लिखा जाता है, इस चार को ई लिखा जाता है, हमारा आंसर एलिफेंट वाला ई हो जाएगा, हमारा आंसर एलिफेंट वाला ई हो जाएगा, बहुत से बच्चों ने ई ई आंसर दिया है, सभी का सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, एक बार बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे, एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, एक बार सभी बच्चे वीडियो को जरा शेयर करें। आगे हम लोग पढ़ेंगे मीनिंगफुल वर्ड, शब्द निर्माण, देखो वर्ड फॉर्मेशन, मीनिंगफुल वर्ड, दोनों के क्वेश्चन एक टाइप के लगते हैं, थोड़ा क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड हो जाता है, तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन मीनिंगफुल वर्ड, लेकिन उसके पहले एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए, तभी आगे चलेंगे। जब तक एक बार आप लोग लाइक, जो लोग लाइक नहीं किए हैं, लाइक नहीं करेंगे, एक बार शेयर नहीं करेंगे, तब तक आगे नहीं चलेंगे। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करिए, लगाइए जल्दी से, एक बार शेयर मारिए, ठोको एक बार, फिर आगे चलते हैं। और जो लोग अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, मैं बार बार कहता हूं, आप जल्द से जल्द एडमिशन करवा लीजिए, क्योंकि आप एडमिशन नहीं करवा पाएंगे तो फिर बाद में आपकी क्लासेस ऐप पर चलने लगेंगी, तो आपको क्लासेस चलने में प्रॉब्लम होगा, तो इससे अच्छा है कि आप एक्सीड 24H के नाम से ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर जाकर आप पेमेंट कर दीजिए, अच्छे से अपने घर पर पढ़ाई करिए मन लगाकर, ठीक है। चलिए एक बच्चे ने कहा सर पांच लोगों को शेयर कर दिया, नीलम साहू ओ होगा, नहीं बेटा देखो यहां से बाएं से दसवां आया है ना, तो बाएं से दसवां तो दस होता है, ओ हो जाएगा, लेकिन यहां पर प्रश्न क्या कहा था याद है,
कहा है पहले को 13वें से दूसरे को 12वें से बदल दिया गया है, यानी 10वें को चौथे से बदला गया है और चौथे का मतलब ई हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ था, ई हुआ था। नीलम बेटा समझ में आया? सीमा पाल बेटा पेमेंट नहीं हो रहा है तो आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर व्हाट्सएप करके कॉल करके आप संपर्क कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सुमन जी, आपको सभी को थैंक यू सो मच। ठीक है, दोबारा लाइक ना करो एसकेपी एजुकेशन बेटा, एक बार शेयर कर दो। ठीक है नीलम बेटा, आप एक बार कमेंट करके बताओ समझ में आ गया आपको, डाउट तो नहीं है? नीलम बेटा एक बार कमेंट करो, मैं समझ जाऊंगा समझ में आ गया। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, डाउट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपको डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरे क्लास की खास बात यही होगी, आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं होगा। थोड़ा बहुत डाउट होता है तो आप उसको थोड़ा कंप्रोमाइज करना सीखो, प्रयास करो। ऐसा नहीं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बेकार हूं, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा अपने आप को कंप्रोमाइज करो, समझ में आने लगेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, चलिए वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं। आगे छोटे से चैप्टर की शुरुआत फिर करते हैं, उस चैप्टर का नाम होगा मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड है उस चैप्टर का नाम, मीनिंगफुल वर्ड। एक छोटा सा चैप्टर बनाइए, मीनिंगफुल वर्ड, अर्थपूर्ण शब्द। अच्छा प्रश्न है, अर्थपूर्ण शब्द, अर्थपूर्ण शब्द छोटा सा चैप्टर है, जरा बनाओ इसको। यहां से भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक छोटा सा चैप्टर है, बनाइए इसको, मीनिंगफुल वर्ड। और क्वेश्चन को नोट करिए, क्वेश्चन कहा है शब्द कॉन्ट्रैक्ट में यदि पहले दूसरे चौथे पांचवें और छठवें अक्षर को ले लिया जाए और कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए जिसकी शुरुआत ए से हो, यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सके तो उसके मध्य का अक्षर हमारा उत्तर होगा। आप यहां तक क्वेश्चन को जल्दी से नोट करिए, नया चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है मीनिंगफुल वर्ड, छोटा सा चैप्टर है मीनिंगफुल वर्ड, आप इसको नोट करिए। आप छोटा सा चैप्टर है इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना? दारा सिंह कह रहे हैं आप भगवान हैं। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, आप लोगों का प्यार है। चलिए आगे चलते हैं, बच्चे ध्यान देंगे। सभी का नोट हो गया है? आप पहले यह बताओ यह नोट हो गया क्वेश्चंस, फिर मैं क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखो प्रश्न बड़ा लाजवाब है, कहा है शब्द कॉन्ट्रैक्ट में किसको किसको ले लिया जाए, पहले को दूसरे को चौथे को पांचवें को और आठवें को, आठवें को यानी क्या क्या ले लिया हमने, सी ले लिया, ओ ले लिया और टी ले लिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवां छठवां सातवां आठवां। एक मिनट, कॉन्ट्रैक्ट में किसको किसको लिया है, पांचवें और छठवें को, यह हमने सी नहीं लिया है, यहां पे पहला है दूसरा है चौथा पांचवां और छठवां है, यानी सी ले लिया, ओ ले लिया, टी ले लिया, आर ले लिया और ए ले लिया। ध्यान से देखना, कहा है शब्द कॉन्ट्रैक्ट में यदि पहले दूसरे चौथे पांचवें और छठवें को ले लिया, कहा है ले लिया जाए और कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए जिसकी शुरुआत ए से हो, ए से शुरू करके क्या बनाया जा सकता है, एक्टर, ए सी टी ओ आर। देखो मीनिंगफुल वर्ड बन गया एक्टर,
ए से शुरू हो। यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है तो उसके मध्य का अक्षर हमारा उत्तर होगा। तो मध्य में क्या है, यह टाइगर वाला टी है, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगा। प्रश्न में कहा था शब्द कॉन्ट्रैक्ट में यदि पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें और छठवें अक्षर को ले लिया जाए और कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए जिसकी शुरुआत ए से हो, यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सके तो उसके मध्य का अक्षर हमारा उत्तर होगा। हमने ले लिया क्या क्या, सी ओ टी आर ए, एक्टर, ए से शुरुआत किया तो एक्टर बन गया, मध्य का अक्षर टाइगर वाला टी होगा, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। मुझे नहीं लगता यहां तक में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। शीश कुमार मेरे लाल, कुछ बच्चों का कहना है सर एक्ट भी होगा, मेरे भाई हमको इतने का यूज करना है, सी का यूज करना है, ओ का यूज करना है, टी का यूज करना है, आर का, ये का, और ना ही कम का यूज और ना ही ज्यादा, इतने अक्षर का यूज करना है। तो इतने अक्षर पूरे का यूज करेंगे तो एक्टर ही बनेगा, बनाने का तो एट भी बनेगा, लेकिन यहां पर सिर्फ इतने अक्षर का, एक दो तीन चार पांच, पांच अक्षरों का यूज करना है। इज इट क्लियर है ना, याद रखना। अनवी गुप्ता हेलो सर, अब इसमें ऐसा ही क्वेश्चंस होगा। जी बेटा ये ऐसा ही क्वेश्चंस है। अभी देखो आज आपका अल्फाबेटिकल सेक्शन में जो मैं आपको अंग्रेजी वर्डमाला पढ़ा रहा हूं आज आपका लास्ट होगा। मैंने आपको बहुत सारे चैप्टर, छोटे छोटे चैप्टर पढ़ा दिए हैं, कल से हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, कल से हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। एक बार जल्दी से वाई लिखकर कमेंट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास चलते हैं। एक बार जल्दी से वाई लिखकर टाइप मारिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। चलिए वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यह भी अच्छा प्रश्न है। इस क्वेश्चन को नोट करिए, मैं साइड हट गया हूं। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी अच्छा प्रश्न है। कहा है शब्द आर ई क्यू यू आई एस आई टी आई ओ एन में यदि दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें व आठवें अक्षर को ले लिया जाए, किसको किसको, दूसरे को ले लिया जाए, तीसरे को ले लिया जाए, और किसको, चौथे को ले लिया जाए, और किसको, पांचवें को ले लिया जाए, और किसको, आठवें को, यहां पर टी ले लिया जाए, और कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए, यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बने तो उसका अंत से दूसरा अक्षर हमारा उत्तर होगा। यदि एक से अधिक शब्द बनाया जा सके, ध्यान से देना, यदि एक से अधिक शब्द बनाया जा सके तो उत्तर एक्स होगा, यदि कोई भी शब्द न बनाया जा सके तो उत्तर वाई होगा। आप क्वेश्चन को नोट करिए, पहले जल्दी से क्वेश्चन को नोट करिए। बेटा 8 से 9 डेली मैं पढ़ाता हूं, लेकिन 2-3 दिन 4 दिन बाद जब क्लासेस ऐप पर चलने लगेंगी तो मैं आपको सिर्फ ऐप में मिलूंगा, तो उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे जो यूपीएसआई की क्लासेस चलती होंगी आप देखते होंगे, मैं उसमें 11 से 12 पढ़ाता था, लेकिन अब मैं यूट्यूब में 11 से 12 नहीं दिखता हूं, क्योंकि क्लासेस जब आपके XE24H के नाम से ऐप है, ऐप में क्लास चलता है, तो वहां पर जो बच्चे एडमिशन किए हैं मैं वहां पर पढ़ाता हूं। चलिए चलिए, इसमें हमने क्या क्या ले लिया सर, हमने ई को ले लिया, और क्या है, क्यू को ले लिया, और यू को ले लिया, और क्या है सर, आई को ले लिया, और क्या है, और सर टी को ले लिया, यानी इसने का यूज करके कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो देखो यहां पर बनाते हैं अर्थपूर्ण शब्द, अर्थपूर्ण शब्द यहां बनाते हैं, अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं यहां पे। देखो क्यू यू आई टी ई एक बन जाएगा, एक बन जाएगा क्यू यू आई ई टी, तो 2 बन रहे हैं। याद रखना प्रश्न में क्या कहा है,
यदि एक से अधिक शब्द बनाया जा सके तो उत्तर यक्स होगा, यानी उत्तर हमारा यक्स हो जाएगा। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपका वर्ड पावर तैयार होना चाहिए, आपका वर्ड पावर मतलब वर्ड मीनिंग आपको आनी चाहिए, आप मीनिंग से मीनिंग बना डालो। तो देखो इस ई क्यू यू आई टी से हमने क्या क्या बना दिया, हमने बना दिया क्यू यू आई टी ई और क्यू यू आई ई टी। एक क्वाइट क्विट, एक रजाई वाला क्वाइट क्विट होता है, एक शांत वाला, इसके दो दो मीनिंग होते हैं, एक में आई टी ई होता है, एक में ई टी होता है, ठीक है, आप इसको नोट कर लो। फिर आगे एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं उस लास्ट क्वेश्चन के पास चलता हूं, आगे लास्ट क्वेश्चन है, मैं उस लास्ट क्वेश्चन पर चलता हूं, आप इसको नोट कर लो। ठीक है, इस क्वाइट वाले का मीनिंग होगा शांत, इस वाले का होता है शांत, इस वाले का होता है पूर्ण रूप से, ठीक है। तो यहां पर हमारा उत्तर यक्स हो जाएगा। एक बार बच्चे वाई लिखकर कमेंट कर दें, एक क्वेश्चंस में और आपको कर... ठीक है, चलिए यह वाला क्वेश्चन आप लोग नोट कर चुके हैं, यह वाला क्वेश्चन आप सभी लोग नोट कर चुके हैं ना, इसमें कितना आंसर आएगा, यक्स आएगा। यह क्वेश्चन मैं आपको नोट करा रहा हूं, मैं दे रहा हूं, आप जरा उसको लगाना, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जरा आप इसको लगाना, आप, मैं आपको इस क्वेश्चन को दे रहा हूं, ठीक है, आप इसका हो गया है आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मैं नोट कर रहा हूं उसको, क्वेश्चन नंबर तीसरा, मेरे साथ साथ में आप लोग भी उस क्वेश्चन को नोट करिएगा, अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहा है, शब्द इंटरमीडिएट में, शब्द इंटरमीडिएट आई एन टी ई आर एम ई डी आई एम ई डी आई ए टी, कहा है शब्द इंटरमीडिएट में, अच्छा प्रश्न है, ठीक है, कहा है शब्द इंटरमीडिएट में चौथे पांचवें आठवें, चौथे पांचवें आठवें और दसवें, ध्यान से देखना, कहा है शब्द इंटरमीडिएट में, शब्द इंटरमीडिएट में चौथे पांचवें आठवें और दसवें अक्षर को लेकर, और दसवें अक्षर को लेकर, और दसवें अक्षर को लेकर, दूसरे अक्षर को लेकर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए, कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए, तो उसका अंतिम अक्षर उत्तर होगा, उसका अंतिम अक्षर उत्तर होगा, यदि एक से अधिक बने, यदि एक से अधिक बने तो एक्स होगा, यदि कोई भी अर्थपूर्ण शब्द ना बने, यदि कोई ना बने तो वाई होगा। ऑप्शन दिया है ए बी सी डी और ई, अच्छा प्रश्न है, जरा बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलिए
यह क्वेश्चंस जो मैं आपको नोट किया हूं, कहा है इंटरमीडिएट में चौथे को ले लिया जाए मतलब ई, पांचवें को ले लिया जाए मतलब आर, आठवें को ले लिया जाए डी, और दसवें को ले लिया जाए यानी ए। यही तो कहा है, शब्द इंटरमीडिएट में चौथे को ले लिया जाए, पांचवें को ले लिया जाए, आठवें और दसवें को। यानी क्या क्या ले लिया, ई ले लिया, आर ले लिया, डी ले लिया और ए ले लिया जाए। इससे क्या बनाया जाए, अर्थपूर्ण शब्द। अर्थपूर्ण शब्द क्या बनेगा, अर्थपूर्ण शब्द जरा बनाओ तो क्या क्या बनेगा पता है। कहा था यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बन जाए तो उसका अंतिम अक्षर हमारा उत्तर होगा। आगे कंडीशन है, यदि एक से अधिक बनता है तो उत्तर यक्ष होगा, यदि कोई भी नहीं बनता है तो उत्तर वाई होगा। इससे क्या क्या बनेगा सर, इससे एक रीड बन जाएगा, ठीक है, एक डियर बन जाएगा, एक डेयर बन जाएगा, आर ई ए डी बन जाएगा, डी ई ए आर बन जाएगा, डी ए आर ई बन जाएगा। यानी उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर होगा एक्स, हमारा उत्तर होगा एक्स, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हमारा उत्तर होगा यक्स, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हमारा उत्तर होगा यक्स, ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो अपनी प्रॉब्लम को, ठीक है। बच्चे ध्यान देना इस बात का, मेरे लाल किसी ने कहा सर रोड भी बनेगा, इसमें ओ कहां पर आ रहा है मेरे भाई, सिर्फ ई आर डी ए है, आप कह रहे हो सर रोड भी बनेगा, रोड में आर ओ ए डी, यहां पर ओ कहीं पर है, एक नंबर के गधा हो तुम, ठीक है। अनवी गुप्ता जी बेटा थैंक यू, आपको अच्छा लगा, हमको भी अच्छा लगा, आप लोग मन लगाकर पढ़ते हो। सर कल कौन सा चैप्टर होगा, रजनीश कुमार कल कौन सा चैप्टर होगा, इसकी मुलाकात कल ही करेंगे ताकि आप लोग साथ 8 बजे लाइव आ जाओ। आप लोग लाइव थोड़ा लेट आते हो तो 8 बजे तक लाइव आ जाया करो, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लोग शेयर कर दिया करो, ठीक है। यहां तक आप लोग देखोगे तो हमने आपको अल्फाबेटिकल में बहुत सारे चैप्टर पढ़ा दिए, पूरा कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा दिया, लेटर सीरीज पढ़ा दिया, वर्ड फॉर्मेशन पढ़ा दिया, मीनिंगफुल वर्ड पढ़ा दिया, डिक्शनरी पढ़ा दिया, जंबलिंग ऑफ लेटर पढ़ा दिया, बहुत सारे चैप्टर मैंने आपको अंग्रेजी वर्डमाला में पढ़ा दिया। पूरे एनटीपीसी में यहां से 6 से 7 क्वेश्चंस आप कवर करोगे। कितने क्वेश्चंस कवर करोगे, 6 से 7 क्वेश्चंस कवर करोगे। आज क्लास यहीं पर रोकते हैं, इसके बाद हमारी आपकी मुलाकात कल होगी। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।